तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन स्वागत है आप लोगों का यार एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो के अंदर भाई हमने वो जो हमारा पोजा वाला वर्ड था उसको जावा में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो हाँ अब बढ़िया से शेडर्स के साथ गेम प्ले वीडियो आने वाली है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो हाँ अभी वीडियो को शुरू करते हैं, देख लो भाई हमारा यही सुंदर सा वर्ल्ड है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक फार्म्स बनाए थे, जैसे कि आयरन फार्म, ऑटोमेटिक वाला फूड फार्म, एचपी फार्म और क्या था, बस ऐसे ही कुछ तीन चार फार्म बनाए थे। और अब हमको इस एपिसोड में क्या करना है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये खाली कैसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ये, कि हमने हमारे जो वर्ल्ड है उसको ट्रांसफ़र कर लिया है जावा के अंदर। और मेरे को बता देना भाई शेडर शूडर के साथ खेलूँ या फिर नॉर्मली वाला माइनक्राफ्ट खेलूँ। बाकी ये एपिसोड तो पूरा शेडर के साथ में है भाई, क्या बोलते हैं शेडर से विजुअल एनहेंसमेंट। ये तो तुम्हारे भाई को भाई इंग्लिश आ रही, धीरे धीरे सीख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ तो अभी देख लो, फिलहाल ये हमारा ऑटोमेटिक वाला फूड फार्म है। तो हाँ अब इसको चला के दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे यार अगर मैं चला दूँ तो पूरा मतलब वापस करना पड़ेगा मेरे को सीडिंग वीडिंग। वैसे हाँ यहाँ पे एक विलेजर की ज़रूरत है गाइस, मतलब अपने आप है ना वो प्लांट वाउंट कर देता है सीड, अपने को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी फिलहाल के लिए तो देख लो अभी चला देते हैं। अब ये चल क्यों ना रहा यार, कि क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है, किधर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे एक सेकंड गाइस, हमने जो 1.16 वाला वर्ल्ड है उसको 1.19 में डाला, तो भाई काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अभी चल क्यों नहीं रहा उस समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो सही है, शेडर के कारण नहीं चल रहा। नहीं यार शेडर के कारण तो मैंने बहुत बार चलाया शेडर में रख के इसको, दिक्कत कहाँ आ रही भाई। एक बार भाई मेरे बहुत सारे फार्म्स ख़राब हो चुके हैं, मेरे को उनको रिपेयर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत टाइम से आया नहीं ना इस वर्ल्ड में। कोई बात नहीं, आज आज सब फॉर्म्स को रिपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना आ रही। तुम हो ना भाई बैठ के देखना, ठीक है? अब देखो इसकी क्या दिक्कत है, ये ऐसे आ रहा है पानी फ्लो ना हो रहा है। अब एक पत्थर पुत्थर कहाँ रख रहा है, गधेड़ा कैरेक्टर है मेरा एक तो। पानी क्यों नहीं फ्लो हो रहा है यहाँ पे, क्या इसकी मतलब वुडन स्ट्रैप क्या नाम है इसका, ट्रैप डोर में दिक्कत है मेरे ख्याल से, तो उसमें दिक्कत होनी ना चाहिए। दूसरे फार्म्स देखते चलो, इसको बाद में रिपेयर कर देंगे, मिल जाएगा सोल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात ना आ रही। फिलहाल ये स्टोन फार्म गाइस, यस यहाँ से हमको मिलते हैं बहुत सारे पत्थर। ऊपर वाला एरिया कुछ नहीं, ऐसा ही है मेरा एक सेकेंडरी आयरन फार्म है वो, जो कि काम नहीं करता। पर हाँ ये देखो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हो रखा है एकदम। यहाँ पे ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, उसके बाद में फिर यहाँ साइड में चेस्ट टूस लगा रखी है। देखो यहाँ पे चार पत्थर आ गए, यहाँ पे पाँच पत्थर आ गए, ये वाला खाली है, बहुत बढ़िया। चलो ऐसा कुछ है भाई अपना बढ़िया सा एकदम स्टोन फार्म। और ये देखो ये एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अभी गधेड़े थे स्केलेटन है। तो ये देखो एक बोर्ड पे भाई, एक तो एंडरमैन ग्रास ब्लॉक लेके उसके पीछे स्केलेटन, ये दोनों मस्त यहाँ पे धूप में झाड़ के नीचे चिल मार रहे हैं। ऐसा कहीं दिखा है तुमने? मेरे ही वर्ल्ड में होता है भाई ऐसी चीज़ें। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं हमारे आयरन फार्म के पास में। एंड ये पत्थर यहाँ पे पानी का किसी ने बकेट रख दिया, मैंने ही रखा होगा। फिलहाल के लिए देखो आयरन फार्म है ना वो भी वर्क नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तभी तो इतना कुछ खास वर्क कर नहीं रहा था। ये देखो ये रहा, यहाँ पे भाई आयरन गोलम स्पॉन होने चाहिए। अभी काफ़ी लोग जिन्होंने एपिसोड 4 नहीं देखा उनको आयरन फार्म एकदम यूनिक एकदम अजीबोगरीब लग रहा होगा, बट एपिसोड 3 देख लो पता चल जाएगा मतलब क्या है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होंगे, वहाँ बीच में जाएंगे, ऐसे बहुत सारी दागड़ियाँ थी उनको रहन दो। देखो यहाँ पे नीचे मैकेनिज्म है, यहाँ पे देखो बहुत सारा आयरन भी आ रखा है। पहले वर्क करता था पर जैसे ही मैंने वर्ल्ड ट्रांसफर किया पता नहीं इसमें क्या चुल हो गई, ये वर्क ना कर रहा है। तो इसको भी अभी हमें रिपेयर करना है। वैसे विलेजर बेचारे ने यहाँ पे नीचे भूखे घूम रहे हैं कब से, मैं भी थक गया बोलते बोलते। तो फिलहाल ये देखो ये हमारा एक्सपी फार्म, इससे एक उम्मीद है कि ये कम से कम चल रहा हो, क्योंकि इसको भी चलने के लिए तो वहाँ पे मेरे को रहना पड़ेगा। और ये भी ना चल रहा, ठीक है? मैं बहुत टाइम से इसके पास में ये एफके था भी नहीं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ना चल रहा ये तो चल पड़ेगा। 2 मिनट यहाँ खड़े रह जाऊँगा तो, या फिर इसके ऊपर खड़े रह जाऊँगा तो। वैसे मेरे को यहाँ से डायरेक्ट एक लिफ्ट बनानी है इसके टॉप तक, ताकि ना वहाँ पे मस्त अब हम व्यू ले सके ऊपर का एकदम अच्छे मज़े में, व्यू भी आएगा और हमारे जो नीचे ज़ॉम्बी स्केलेटन स्कुलेटन है जो वो भी स्पॉन होते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखो हमको ये वाला फार्म है जो उसको भी रिपेयर करना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई बात नहीं, तुम लाइक और सब्सक्राइब अब तक, भाई तूने अब तक लाइक नहीं किया, ये कोई बात होती है? तूने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया, कर दो यार, ऐसे मत करो यार, दुख होता है, ठीक है? तो अभी फिलहाल लाइक और सब्सक्राइब तुमने कर दिया होगा, मतलब अब तक नहीं किया यार, लाइक करना ना ना, तूने कर दिया है। ये देखो ये जो तेरे साइड में बैठ के वीडियो देख रहा ना उसने ना किया, तूने तो कर दिया मेरे को पता है। तो हाँ अभी फिलहाल उसको लाइक करना हो तो कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात ना आ रही, इन्जॉय करो वीडियो, लाइक लुक कैसे टाइम पास है। तो अभी फिलहाल देख लो ये हमारे पास में वीट वूट आ गई है और अब इसको रिपेयर करता है। ओके
ओके गाइस, बहुत टाइम से सोचने के बाद में भाई फाइनली हमको सोल्यूशन मिल गया है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा एंड अब शायद से वर्क कर गया। यस, तुम्हारा भाई बिग ब्रेन है, एकदम पापा प्लेयर है तुम्हारा भाई। तो ये देख लो, एकदम चल गया है हमारा फार्म। और अब देखो, ये तुमको मैकेनिज्म तो पता ही होगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना आ रही तुम्हारे लिए। तो मैं थोड़ा सा उसमें नूब हूँ, मैकेनिज्म वगैरह रेडस्टोन वाली चीज़ें कम पता है मेरे को। तो देखो अभी ये इसके अंदर चला गया होगा, और अभी ये वाटर बकेट है मिल जी। अरे ये देखो, इसके अंदर बहुत सारे ये वीट वूट आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एकदम शाम हो रही है, अभी हमारे घर के रिश्तेदार आते ही होंगे, उससे पहले घर जाके सो जाते हैं, वरना उनको एक कप चाय पिलानी पड़ती है। ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम, नहीं वेलकम बैक नहीं, शुभ सुप्रभात। यस, सुप्रभात है आप लोगों का आज के इस दिन में। और अभी फिलहाल के लिए तो घट घट आवाज़ आ रही है। ओके गाइस, तो अभी हमको जस्ट ऐसे ताज़ा आवाज़ आ रही है नीचे से आयरन गोलम के टपकने की। तो ये पानी इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं उसको डाल दिया था, वाटर बकेट एमएलजी की थी, तो पानी आ गया। इसको छोड़ो, तुम आयरन गोलम को देखो भाई, यहाँ क्यों स्पॉन हो रहा है ये गधा, मेरे को पता नहीं चल रहा अभी तक। मर जा तू, मर जा, मैं तेरे बाद, मतलब तेरे मरने के बाद में मैं आता हूँ तेरा आयरन लेने, थोड़ी सी हेल्प कर दो तेरे मरने में। अरे थोड़ी सी, इस गधेड़े आयरन गोलम ने टपका दिया भाई। मैं मतलब बिल्कुल भूल ही चुका था कि वो मारेगा वहाँ पे, मेरे को लगा फंसा हुआ है, कहाँ से मार देगा वो, एकदम जमीन में धस रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने जड़ दिया उसके वो एक्स, फिर उसने मेरे को जड़ दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है। और ये तुम देख रहे होंगे ना, मैं माउस से एक एक लगा रहा हूँ, मेरे को बाद में पता चला कि वन क्लिक वाला काम था ये। मैं नूब नहीं हूँ, मेरे को सारे बटन पता है, वो शिफ्ट शिफ्ट से होता है। नूब थोड़ी हो भाई तुम्हारा भाई, शिफ्ट शिफ्ट से तो नीचे झुकता है। एक सेकंड, एक क्लिक में हर बार कैसे पहनते थे। कोई बात नहीं, सीख लेंगे हम, कमेंट में बता देना। और अब देखो यहाँ पे ही आयरन गोलम के एकदम स्पॉन होने के रेट ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे एक वो हॉपर चेस्ट वाला सिस्टम बना दिया जाए, मतलब चेस्ट से बाद में हम कलेक्ट कर लेंगे जो भी है अपना आयरन वोरन। तो यहाँ पे हमारा वो सेटअप रेडी है। और फिर इसके बाद में हमने सोचा कि एक बार ये मतलब फूड फार्म रिपेयर कर दिया है, आयरन फार्म होके नहीं दे रहा, उसमें भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर दी है, तो एक्सपी फार्म को क्यों छोड़े, इसको भी कर लेते हैं। बट ऑटोमेटिक रिपेयर हो चुका था ये। यस, हमारे कुछ जॉम्बिस आ चुके थे, तो इनका अपन स्वागत करते हैं। ये एक हिट में मर रहा है क्योंकि इनको इतना डैमेज मिल गया है नीचे गिरते ही कि भाई तुम्हारे भाई ने एकदम ऐसे ब्लॉक गिन के रखे हैं। बात होती है तुम्हारे भाई की, बात ना हो रही भाई, तुम नूब तो मैं ही ऊपर, कोई बात नहीं। आज की वीडियो के लिए मतलब खत्म करने का सोच रहा हूँ, एक वाटर बकेट एमएलजी। ये योर ब्रो इज ब्रो। ओके, ज़्यादा एनर्जी आ गई, कोई बात नहीं, बहुत एनर्जी है तुम्हारे भाई में, बस तुम सब्सक्राइब करके देख लो। तो हाँ यस, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म समाप्त एंड करते हैं, बट अगली बार से फटाफट वीडियो आएगी। तुम्हारा भाई थोड़ा सा घूमने गया था, इसलिए भाई इतने दिन का गैप हो गया था, पर अब घूम के घर आ चुका है, एकदम मेहनत से अपनी यूट्यूब पे काम करेगा। तब तक ले चुम्मी, क्या हरकत कर रहा हूँ, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट करना कि मैंने यहाँ तक